हे एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक पेज को और प्रोफाइल को कैसे वेरीफाई करेंगे और कितना टाइम लगता है वेरीफाई होने में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि गाइस प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले फेसबुक पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो गया है मेरा। फेसबुक ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड पे 3 लाइन दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। हेल्प सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन लिखना है, फिर तो हमको यहाँ पे सर्च कर देना है और यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है रिक्वेस्ट अ वेरीफाई बैच ऑन फेसबुक, इस पर चूज़ कर लेना है। करने के बाद हमें दिख रहा होगा यहाँ पे फिल आउट दिस फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा पेज है या प्रोफाइल है, इसको हमें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में हमें एज अ आइडेंटिटी यहाँ पे भरना है, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया या हमारे पास जो बिल्स हैं वो हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे उसके नीचे हमें वही जो डॉक्यूमेंट ऊपर हमने चूज़ करा है उसका हमें एज अ प्रूफ उसकी इमेज अपलोड करनी है। सेकेंड स्टेप में हमें अपनी कैटेगरी बतानी, हमारी जो पेज की कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चूज़ कर लेना है। फिर दूसरा स्टेप हमारा कंट्री, इसमें हमें बताना है कि कौन सी कंट्री में हम रहते हैं। इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर इंडिया मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑडियंस, जो हमारे पेज को फॉलो कर रही है ऑडियंस, वो किस तरह की हमारी ऑडियंस है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको ऑल्सो नोन एज, मतलब कि हमें जो हमारी ऑडियंस है वो किस तरह से हमारे नाम को जानती है और मोस्टली कौन से नाम से हमें सर्च करती है, यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है। आपको 5 लिंक डालने हैं, 5 लिंक में आपको 1-2 भी लिंक डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा आप डालेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि जल्दी आपको वेरिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके पास कोई आर्टिकल में आप मेंशन हो तो वो यहाँ पे डाल दो, अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हुई है वो आप मेंशन कर दो। फिर सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। हम लोग होम पेज पे आ जाएंगे, हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो गई है। अब हमें रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना है कि हमारी रिक्वेस्ट वेरीफाई हुई है या रिजेक्ट हुई है, तो उसको चेक करने के लिए हमें फिर से 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फिर से अब हमें सपोर्ट इनबॉक्स पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे अपना स्टेटस चेक हो जाएगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वेरीफाई हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर फेसबुक से जो रिप्लाई आता है वो 48 आवर्स के बाद आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका स्टेटस क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।